125 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन का निर्माण करके अमेरिका और ब्रिटेन भारत को दिखा रहे थे घमंड। भारत ने 2000 न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन का किया निर्माण, दिखा दिया भारत ने सभी ताकतवर देशों को अपनी औकात। फ्रांस, अमेरिका, जापान ने भारत के सामने लगाई लाइन। भारत से इस इंजन का उपयोग अपने मिसाइल पर ना करने की मांग चुके हैं सहमति। दोस्तों, अब जो खबर आई है और भारत के वैज्ञानिकों ने जो कारनामा कर दिखाया है उसे देख पूरी दुनिया चौंक गई है। 20 सालों से जिस प्रोजेक्ट पर भारतीय वैज्ञानिक काम कर रहे थे, यह भारतीय वैज्ञानिकों के लिए अब तक का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट था, क्योंकि वैज्ञानिकों को ना तो अनुभव था और ना ही इससे जुड़ी भारत के पास टेक्नोलॉजी थी। फिर भी भारत इस प्रोजेक्ट के निर्माण पर कूद पड़ा था। दरअसल दोस्तों, यह वह टेक्नोलॉजी है जिसे ट्रांसफर करना तो दूर, किसी भी देश की इसके क्षेत्र में मदद नहीं की जा सकती। यहां तक कि रूस ने भी भारत को कोई मदद नहीं दी। दरअसल आप सोचिए कि वह रूस, जो भारत को दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे चुका है, उसने भी भारत को कोई सहायता ना देने की बात कहकर सॉरी बोल दिया। भारत को बार बार इस प्रोजेक्ट पर मिल रही असफलता को देखकर रूस ने चाहा तो जरूर था कि वह भारत की मदद करे, लेकिन बीच में अमेरिका आ जाता था। अमेरिका का सख्त निर्देश था कि कोई भी देश किसी भी देश की इस टेक्नोलॉजी पर मदद की तो अमेरिका की दुश्मनी उसे झेलनी पड़ेगी। दरअसल दोस्तों, यह प्रोजेक्ट अंतरिक्ष में सैटेलाइटों को ले जाने वाली रॉकेट में लगने वाले इंजन से जुड़ा था। तो अब भारत के अंदर 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन का सफल परीक्षण किया जा चुका है और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। भारत की इस कामयाबी को रोकने के लिए सुपर पावर अमेरिका भी बार बार रास्ते में आया, लेकिन भारत नहीं रुका। 20 सालों की कड़ी मेहनत के बाद अब जाकर यह बहुत बड़ा कारनामा सफल साबित हुआ है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, अगर इस इंजन का उपयोग भारत ने अपनी मिसाइलों में कर दिया तो भारत अपने दुश्मनों के अंदर बड़ी तबाही ला सकता है। वहीं भारत ने जब 2000 केजी न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन के निर्माण पर काम शुरू किया तो उसी वक्त चीन, पाकिस्तान, फ्रांस और यहां तक कि अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की थी और भारत से इस बात पर सहमति मांगी थी कि भारत कभी भी इस इंजन का उपयोग अपनी मिसाइलों में नहीं करेगा। अब तक जितने भी हथियार भारत के अंदर बनाए गए हैं, उन सभी हथियारों में सबसे ज्यादा कठिनाई इस इंजन को बनाने में आई। दरअसल इसका डिजाइन और इसकी ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इसका निर्माण आज तक कुछ ही देशों ने किया है। अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जापान, चाइना और अब इंडिया भी शामिल हो गए हैं। इनमें से ज्यादातर देशों ने एक दूसरे की मदद करके इंजन का निर्माण किया है, लेकिन भारत ने अकेले बिना किसी की मदद के, यहां तक कि रूस भी इस इंजन का पहले निर्माण कर चुका है, लेकिन रूस से भी भारत को कोई मदद नहीं मिली थी। फिर भी भारत ने इस इंजन का निर्माण करके इन सभी देशों को चौंका दिया है। भारत के द्वारा बनाए गए इंजन पहले से मौजूद इस श्रेणी के इंजन से कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इस इंजन की ताकत 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने की है। दरअसल दोस्तों, जिस इंजन का सफल परीक्षण किया गया है, इस इंजन का नाम सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, जिसका निर्माण इसरो ने किया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि कोई भी मिसाइल, रॉकेट या फिर फाइटर जेट तभी आसमान में उड़ान भर सकता है जबकि वे अपने वजन के बराबर पृथ्वी की केंद्र की ओर फोर्स लगाते हैं। यही न्यूटन का तीसरा नियम भी है। इसी तरीके के इंजन में लिक्विड फ्यूल का उपयोग किया जाता है। वहीं इन फ्यूल को चलाने के लिए इनमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। मौजूदा वक्त में किसी भी इंजन को पावरफुल बनाने वाला इंजन हाइड्रोजन को माना जाता है। वही हाइड्रोजन गैस फॉर्म में पाया जाता है और लिक्विड फॉर्म में बदलना भारतीय वैज्ञानिकों के लिए चैलेंजिंग काम था। दोस्तों, अब यहीं पर हाइड्रोजन को गैस फॉर्म से बदलकर लिक्विड फॉर्म में परिवर्तन करना ही क्रायोजेनिक तकनीक कहलाती है और आगे चलकर इसी क्रायोजेनिक तकनीक का इस्तेमाल करके क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना पड़ता है और ऑक्सीजन को -187 डिग्री सेल्सियस पर रखना जरूरी होता है। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रॉकेट के अंदर इतना कम तापमान उत्पन्न करना बहुत मुश्किल था। वहीं इसरो को इस तरीके के कार्यों का पहले से कोई अनुभव भी नहीं था, लेकिन चाहे भारत का DRDO हो या भारत का इसरो, जब अपनी पर आते हैं तो दोनों दुनिया के किसी भी कठिन से कठिन तकनीक का इजाद कर लेते हैं। अब तक इस संसार में केवल 6 देश ही है जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक को जानते हैं।
अब भारत का इसरो इस इंजन का उपयोग सैटेलाइटों को लॉन्च करने में और इसका उपयोग बूस्टर के लिए कर सकेगा। वहीं इस इंजन के उपयोग को लेकर पहले ही रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान चिंता जाहिर कर चुके हैं। बहरहाल 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन का निर्माण करके भारत ने भी पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत भी इंजन की दुनिया में बादशाह बनने की काबिलियत हासिल कर चुका है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की दूसरी खबर की ओर। रक्षा के क्षेत्र में भारतीय वायुसेना को ताकतवर बनाने के लिए लगातार भारतीय सरकार की ओर से कोई ना कोई ऐलान किया जा रहा है। वहीं मौजूदा वक्त में भारत के पास तकरीबन 260 की संख्या में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हैं। इनमें से कई फाइटर जेट को सुपर सुखोई में बदलने का काम किया जा रहा है। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भारत का सबसे भारी भरकम लड़ाकू विमान है। अभी सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से एक ऐसी खबर आई है जिसने रूस और इजराइल दोनों को हैरान कर दिया है। भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने सुखोई को अपग्रेड करने का ऐलान 2021 में कर दिया था, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का यह प्रोजेक्ट धीमा पड़ गया। वहीं भारत के अंदर जिन युद्धक हथियारों का निर्माण किया जा रहा है उन सभी को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। डिफेंस कंपनियों की ओर से कोशिश की जा रही है कि अब दूसरे देशों के पुर्जों का इस्तेमाल बंद किया जाए। वहीं रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सुखोई को सुपर सुखोई में बदलने के लिए जिन पार्ट्स की जरूरत होगी उन सभी पार्ट्स को अब भारत के अंदर तैयार किया जाएगा। इस लड़ाकू विमान को सुपर सुखोई में बदलने के लिए इसके एवियोनिक्स सेंसर सिस्टम और इंजन को अपग्रेड किया जाएगा। भारत के अंदर पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के इंजन को बनाया जाना है। हो सकता है इस इंजन का इस्तेमाल सुखोई में कर दिया जाए। अभी फिलहाल भारत में जिस सुखोई लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें 1980 के दशक के रडार स्लोटेड प्लानर का उपयोग किया गया है। अब इसी रडार को बदलकर भारत के द्वारा निर्मित किए गए उत्तम MK-3 का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड सर्च ट्रैक सिस्टम का उपयोग होगा और इस लड़ाकू विमान के पुराने हो चुके कंट्रोल कंप्यूटर को रिप्लेस करके डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा। सुखोई को सुपर सुखोई में परिवर्तित करने के लिए पुराने कॉकपिट की जगह पर मॉडर्न कॉकपिट का इस्तेमाल किया जाएगा। उधर भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की कोशिश है कि सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में जितने पार्ट्स रूस के उपयोग किए गए हैं उन सभी को धीरे धीरे रिप्लेस करके स्वदेशी रूप से विकसित किया गया पार्ट्स का उपयोग किया जाए। अब इसी कड़ी में भारत फोर्ज नाम की कंपनी ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के लैंडिंग गियर कंपोनेंट्स में बदलाव किया है। अभी तक यह कंपोनेंट भारत रूस से इंपोर्ट करता था। खबरों के मुताबिक सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को फास्ट बनाने के लिए कई पुरानी तकनीक में बदलाव करने की जरूरत थी जिस पर भारत काम करने की शुरुआत कर चुका है। उधर इंडियन एयरफोर्स के अंडर में काम करने वाली भारत फोर्ज की प्लानिंग है कि जल्द से जल्द सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से रशिया के द्वारा उपयोग किए गए सभी पार्ट्स को रिप्लेस करके रूस के ऊपर से डिपेंडेंसी को खत्म किया जा सके। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।